देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई राज्यों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा में CMIE के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने फरवरी में बेरोजगारी दर 26.4% थी, जो पूरे देश की औसत बेरोजगारी दर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। देखिए रिपोर्ट। देश में बेरोजगारी अब कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी बनती जा रही है। जल्द ही बेरोजगारी कम नहीं की गई, तो ये महामारी भारत की मुसीबत को और भी बढ़ा देगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 6.9% है। अगर राज्यों की बात करें तो दिल्ली की गोद में बैठा राज्य हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पर है। CMIE के मुताबिक 26.4% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 4 गुना ज्यादा है। हरियाणा में आपको 10 में से लगभग 3 लोग बेरोजगार दिखाई देंगे। राजस्थान में 25.6% के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि दिल्ली में 8% बेरोजगारी है। देशभर में हरियाणा को उसके सेना प्रेम से लेकर हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन अब बेरोजगारी के लिए दुनिया भर में हरियाणा की पहचान बन रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस साल लगभग 1.5 लाख नौकरियां सृजित करने की घोषणा के बावजूद हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है। लॉकडाउन के बाद रोजगार पर आर्थिक मंदी का असर अभी तक कम नहीं हुआ है। इन आंकड़ों के आईने को देखने से समझ में आता है कि देश भले ही कोरोना से अनलॉक हो गया हो, लेकिन हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार के मौके कोरोना के आते ही लॉक हो गए थे। कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर ऐसी चोट की है कि पर्यटन से लेकर होटल, एयरलाइंस जैसे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। छोटे उद्योगों पर ताले लटक गए हैं और एक झटके में लाखों लोग सड़क पर आ गए। प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द इन आंकड़ों को बदलने के लिए कार्य करना होगा। नया कानून हो सकता है शायद प्रदेश में बेरोजगारी दर कम कर सके, लेकिन इस स्थिति को बदलना बहुत आवश्यक होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।